इतनी चुप क्यों बैठी है? शेर साइलेंट ही रहता है लेकिन उसका रिजल्ट भारी होता है। बिल्ली के जैसे ना, मुर्गी खाती है तो साइलेंट ही रहती है पर किसी ने डंडा मारा तो भाग जाती है, तेरी तरह। क्या यार, हर इंसान को जानवर से कंपेयर करने की वजह है कि हम खाने के लिए मर रहे हैं। अब सुन लिया ना, तुम नहीं मारोगी। इतना सीरियसली पढ़ रही हो जैसे लगता है एग्जाम की तैयारी कर रही हो। मुझे मेरी फैमिली याद आ गई, फैमिली वाला पेज पढ़ रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है। मैडम इसमें बिजनेस पेपर भी है, उसे भी पढ़ के थोड़ा बुरा फील करना। मीरा के घर वालों का बिजनेस है क्या? कौन सा बिजनेस? अब नहीं है, पहले था, मुर्गी पालने का बिजनेस। लॉस हो गया ना, इसलिए बंद कर दिया। ये बताओ लॉस हुआ कैसे? रोज इसके पिताजी दारू के साथ चखने के लिए अपने घर की मुर्गी को काट कर खा जाते थे, इसलिए सब खत्म हो गया। हेलो मैडम, वो मुर्गियाँ तुम भी खाती थी, भूल गई क्या? हम ऐसे हंस रहे हैं ना, तो पता है मुझे उस दिन का एक वाकया याद आ गया। क्या हुआ था? फेसबुक में एक कोई पीछे पड़ा था, नाम था जफर। उसका नाम उसके फेस को अच्छे से सूट होता है। वैसे क्या हुआ था? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? वो भी तेरी तरह ही है। अरे पहले तू बताना। वो हाय रिया जी। ए कौन है भी तू? फेसबुक फ्रेंड है क्या? वैसे तूने पिक्चर क्यों नहीं लगाई है? पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है। मैंने वो पिक अंधेरे में ली थी ना। पिक्चर अंधेरे में ली थी या तेरा फेस ही ऐसा है? ब्लैक भले ही हो लेकिन दिल दही की तरह सफेद है। दही कैसे? शहद कहते हैं ना। नया लगेगा इसलिए कहा। ये क्या बकवास कर रहा है? फिर जाकर उसी दही को डिनर में खा ले। पंच अच्छे से मार रहा है लेकिन तूने रिया को समझा क्या है? ब्लैकबेरी आप बहुत सुंदर हो इसलिए तो तुम उसे चैट कर रहा है ना? पर मुझे एक डाउट है, भगवान ने अपना सारा काम छोड़कर तुझे बनाया था क्या? ठीक है ये सब छोड़िए जी, आपसे बात करना मुश्किल है। I love you रिया जी। अरे रे तू बहुत सुंदर है बे, तुझसे बात करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। गुड बाय ब्लैकबेरी। ऐसा हुआ था? उसके साथ अच्छे से खेला क्या? ऐसा वैसा खेल नहीं, फुटबॉल की तरह खेला उसके साथ। ये सब कब हुआ मैडम? अरे कल की बात है ये सब। ये पेपर भी किताब की तरह ही पढ़ रही है। हे, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ हाय मामा जी, आप यहाँ? तुम्ही से मिलने आया हूँ। श्रेया ये है मेरे मामा जी राजशेखर। आपको देख के लग रहा 30+ होंगे। इतना जल्दी तुमने कैसे पता लगाया? आपको देखने से ही पता चल गया है, ऊपर से आपका ये तोंद भी दिख रहा है ना। अब तक आपकी शादी नहीं हुई है ना? फिर से पता लगा लिया? हम लड़कियां हैं ना, हमें एक झलक में सब पता चल जाता है। हाँ मामा जी, बिना बताए आप ऐसे अचानक कैसे आ गए? नहीं नहीं, मुंबई में एक लड़की को देखने आया था। आप लड़की तो देखो, जो लड़की आपको पसंद आएगी उससे शादी करवा देंगे। ओह ऐसा हुआ तो अच्छा होगा, मुझसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर रही है। ठीक है मामा जी, हाथ पैर धो लीजिए, हम नाश्ता करते हैं। ठीक है। पूरी बहुत गर्म है। हाँ आपकी तोंद की तरह ना। मामा जी मुझे एक डाउट है। क्या है बोलो। ये तोंद है या पहाड़ है? जॉगिंग करके कम कर लीजिए, शादी हो जाएगी। ये सब जॉगिंग करने से कम नहीं होगा, खाना कम करना पड़ेगा। वो तो कल से कम कर दूंगा मैं। मतलब सांभर लेना कम कर दोगे? वैसे आप करते क्या हो? सिर्फ खाता रहता हूँ। बेरोजगार हो? खाता रहता हूँ ये तो बता दिया, लेकिन क्या खाता हूँ ये तो बताया नहीं। क्या खाते हो जी? तुम जैसों का सर। लगता है इसलिए आप ऐसे बन गए हो। आप दिमाग के अलावा कुछ नहीं खाते क्या? कुछ खाने का मन किया तो दिलाओगी क्या? मैं भला क्यों दिलाऊं तुम्हें? अगर तुम्हारे सर सवाल पूछे तो कौन बताएगा? मैं बताऊंगी। जवाब देगा कौन? आप। आंसर अगर बोर्ड पर लिखना है तो चौक कौन देगा? अब अगर मुझे सुनना है तो आहार कौन देगा? बताओ।
दादा, क्लास में तो कोई भी नहीं है। अरे यार, आज तो कमाल ही हो गया, हम आज पहले ही कॉलेज आ गए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? तेरा सिक्योरिटी गार्ड आया है। हंसना बंद करो यार। ये बता, एंटीना लगाकर घूम रहा है क्या वो? क्या चुप नहीं बैठ सकती है मदरबोर्ड? अच्छा, गुस्सा तो आएगा ही। वैसे तू आ गई है, ये बात उसे कैसे पता चली? पता नहीं, मुझे कैसे पता? कम से कम आज तो बात करेगी या नहीं? हाँ, वो ही पहले बात करे। ऐसा कह के उसे और कितने दिन घुमाएगी तू? घुमाने का हक हमारा ही होता है, और वैसे भी हमारा ईगो वाईफाई की तरह होता है। ठीक है, तेरी मर्जी। तू दूसरों को देखने देती नहीं और खुद भी नहीं देखती, इसे ही जलन कहते हैं हमारी भाषा में। वो भी इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। उसका कॉन्फिडेंस तो देखो, वो तो उसमें कूट कूट के भरा है। सच में तेरी भाषा में तुझ में बहुत घमंड है, गाँव की है ना, ये तूने साबित कर दिया। ओ, ये क्या, सभी आ गए हैं? आज कुछ स्पेशल है क्या? आपका क्लास है ना सर? हाँ, मेरा ही क्लास है, ये तो मेरा ही रहता है ना। आज मैं तुम्हें एक नया लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है? शट अप। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कर रहे हैं सर। क्या इंफॉर्मेशन है? बुक दे रहा हूँ ना सर। बुक दे रहे हो, ठीक है, इधर लाओ। सर रहने दो सर। चुपचाप लाओ इधर। स्टैंड देयर। ये क्या है? मुझे पता है तुम्हारा कम्युनिकेशन क्या है। लास्ट बेंच पर बैठकर ये सब काम करते हो? हाँ, ये फोन प्रिंसिपल से कलेक्ट कर लेना। नहीं सर, दे दो ना, प्लीज सर दे दो ना। सिट डाउन। एक एरिया से दूसरे एरिया तक कम्युनिकेशन होने के लिए माध्यम चाहिए होता है। कौन सा मीडियम चाहिए सर, हिंदी या इंग्लिश? आजकल तुम ज्यादा ही बोलने लगे हो। सॉरी सर। उस मीडियम में कम्युनिकेशन भेजने को ही सिग्नल कहते हैं। सर, लो वोल्टेज सिग्नल या हाई वोल्टेज सिग्नल? इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। सिट डाउन। रिया, आर यू अंडरस्टैंड? यस सर। क्या तुम समझा सकती हो? अब मीरा को जोर से बुलाने को ही सिग्नल कहते हैं सर। अच्छा, तो ऐसा होता है क्या? तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, बैठ जाओ। श्रेया, तुम बताओगे क्या? एग्जाम्पल, ये हर रोज किसी एक को देखती है, वो भी इसे देखता है, पर ये दोनों बातें नहीं करते। अगर ये दोनों आपस में बातें करते तो इन दोनों का सिग्नल पास होता ना। तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैंने तुमसे पूछ लिया। बैठ जाओ। अगला है सिस्टम। सिस्टम का मीनिंग पता है तुम्हें? पता है, मेरे घर में है सिस्टम। अच्छा, तुम्हारे घर में है सिस्टम। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सर, असल में ये कॉलेज चल रहा है, उसका कारण है सिस्टम। Yes, you are near. Sit down. Thank you. System means एक regular frequency process में होने वाली चीजों को system कहते हैं। Okay, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, okay? We can leave. Bye. चलो, चलते हैं अब। चलो, संसारिक जीवन शुरू करते हैं। मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया, मैं उसे करके आती हूँ, तुम लग जाओ। आज सर ने पढ़ाया, अच्छे से समझ में आया? हाँ हाँ, अच्छे से समझ आया। समझ आया, समझ आया। मोबाइल छोड़ेगी तब ना? छोड़ दूंगी तो तेरा सिग्नल कट जाएगा ना। वो देख, तेरी फ्रीक्वेंसी पास आ रही है। ये फालतू के जोक मारना बंद कर, चुपचाप चल। ये क्या यार, देखने के बाद भी बात नहीं करती। तुझे जाके बात करना चाहिए था ना। वो कुछ अलग फील तो नहीं कर रही, ये सब देखना था मुझे। नहीं यार, ऐसा कुछ फील नहीं कर रही है। पक्का ना यार? लड़कियों को देखने पर वो खुश होती है कि उन्हें कोई देख रहा है। ऐसा है क्या? लड़कियों के पास ब्रेन ज्यादा और इमोशन कम होता है भाई। तो फिर हमारे पास? हमारे पास ब्रेन कम और इमोशन ज्यादा होता है, इसलिए हमारी फीलिंग्स को वो कैच कर लेती है भाई। ठीक है, कल उस पे ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। देख लिया ना एपिसोड, आपको जरूर पसंद आया होगा, तो फिर प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिएगा। देखो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए घंटी पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बाय गाइस।